अजय प्रताप तोमर, कांग्रेस पूर्व महासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता की कड़े शब्दों में निंदा की है। खनन विभाग को लेकर खनन विभाग के अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त, सत्ता पक्ष के संरक्षण में ललितपुर की खनन संपदा को लूटने में कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव एडवोकेट अजय प्रताप तोमर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए खनन अधिकारी की कार्यशैली को लेकर ललितपुर जनपद में लगातार हो रहे अवैध खनन कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करनी चाहिए, जिसमें जिला पंचायत सदस्य एवं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा ललितपुर की बेशकीमती खनन वस्तुओं को लूटा जा रहा है। जिला अधिकारी से शिकायत करने के बाद भी आकर खनन अधिकारी क्यों नहीं करता है कार्यवाही? जिला पंचायत सदस्य एवं दबंग प्रभावशाली व्यक्ति पर। विशेष रिपोर्ट संवाददाता सोनू त्रामकार, ललितपुर, अभी न्यूज के लिए। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा या तो नुकसान दिलवाएं या ये काम बंद करवा दें। ये अवैध काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। प्रदूषण उड़ाने का कोई हक नहीं है इन लोगों को। इस एरिया की ये खेत से मिट्टी निकाल रहे हैं ये लोग, जबकि इस एरिया खदान बनी थी 4-6 महीने के, इसमें काम चला था खुदाई का, लेकिन इन लोगों को क्या है 2 फुट मिट्टी उड़ाने का हक है। इतने इतनी गहरी कर दी, सीधा पीट चला जाएगा नीचे। कितनी गहरी खदान हो? बहुत गहरी खदान है, लगभग कम से कम 40 फुट गहरी है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? जो खनन विभाग के द्वारा जो कल इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें कई चर्चाएं भी हो रही हैं खनन विभाग को लेकर, क्या कहना चाहते, क्या इसमें आप रोशनी डालना चाहती हैं? देखिए, वर्तमान में सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों द्वारा, न्यूज चैनलों द्वारा इस बात की खबरें आ रही थी कि जनपद ललितपुर में सत्ताधारी लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा कल कई अवैध खनन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, RTO तथा खनिज विभाग के अधिकारी शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के संबंध में जो समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर खबरें चली, उसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि जिले के सत्ताधारी लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और खान निरीक्षक के ऊपर सत्ताधारियों द्वारा हमला करने के बाद खनन विभाग द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई। सबसे पहले उठता है कि अगर इतने लंबे समय से खनन अधिकारी की नज़र में यह अवैध खनन सत्ताधारियों द्वारा किया जा रहा था, तो आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब उनके ही अधिकारी पर जानलेवा हमला करने की जो चर्चाएं आ रही हैं, मारपीट की चर्चाएं आ रही हैं, जब जान आफत में आई तो उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि ललितपुर जनपद का जिला प्रशासन, खनन विभाग इन सत्ताधारियों को संरक्षण दिए हुए था, जबकि जनपद ललितपुर में अपार जन खनन संपदा होना कई बार प्रमाणित हो चुका है। ऐसे में इन माफियाओं द्वारा जो दोहन किया जा रहा है, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी होने के नाते मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और आज माननीय योगी जी झांसी के दौरे पर हैं, तत्काल इस संबंध में संज्ञान लें और जो सत्ताधारी लोग जनपद ललितपुर की खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें, और ऐसे अधिकारी जो इन सत्ताधारियों को संरक्षण देकर ललितपुर की खनिज संपदा का दोहन करा रहे हैं उनको भी, उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करें, जिससे जो खनिज संपदा गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज,
इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।